ਬੁਲਟਨ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਲ ਦੀ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਗਏ ਡੀਜੀਪੀ ਵੀਕੇ ਪਵਰਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਆਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕੌਣ ਡੀਜੀਪੀ ਬਣਾ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੀਕੇ ਪਵਰਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਸਨ। ਵੀਕੇ ਪਵਰਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। सरकार वालों मोहाली ग्रेनेड हमले ते मूसेवाला कतलकांड ढुकवी कार्रवाई ना करन ते नोटिस वीके पवरा नू जारी होया सी। दसी कि 4 सितंबर नू वीके पवरा दी छुट्टी खत्म हो रही है ते पवरा दे छुट्टी ते जाण तों बाद गौरव यादव नू कार्यकारी डीजीपी बनाया गया सी ते हुण इस नू लैके लगातार क्यास लगाए जा रहे सन कि आखिर किस नू डीजीपी दी जिहड़ी है जिम्मेवारी दित्ती जाएगी। क्या वीके पवरा एक बार फिर डीजीपी दी जिहड़ी जिम्मेवारी सांभणगे या गौरव यादव ही डीजीपी बड़े रहेंगे जिन्हां नू कार्यकारी डीजीपी बनाया गया सी। लेकिन हुण इस नू लैके तस्वीर साफ हो गई है कि गौरव यादव डीजीपी जिहड़े ने ओह बने रहेंगे। राह उन्हां दा हुण साफ हुंदा होया नजर आ रहा है, जिस दे नाल गगनदीप पहुजा साडे नाल जुड़ चुके ने। गगनदीप जी, जिस नाल कुछ दिनों तो लगातार क्यास लग रहे सन कि क्या वीके पवरा नू एक बार फिर डीजीपी की जिम्मेवारी दी जाएगी या गौरव यादव ही जिहड़े ने ओह डीजीपी बने रहेंगे जिन्हां नू कार्यकारी उस वेले डीजीपी बनाया गया सी, लेकिन हुण राह पदरा हो गया गौरव यादव लई। जी बिल्कुल राधा, जिस तरीके दे नाल अपॉइंटमेंट दे ऑर्डर आ जाए ने वीके पवरा दी, उन्हां नू हेल्थ जिहड़े सॉरी पंजाब दा पुलिस हाउसिंग कारपोरेशन दा चेयरमैन नियुक्त किया गया ते जिहड़े सीएमडी पहले चलते आ रहे थे एसआर चौहान, उन्होंने मैनेजिंग डायरेक्टर ही रहने दिया गया। और यूपीएससी से सू याद करा दी है ज्यादा 7 महीने पहला पंजाब सरकार की चन्नी सरकार थी उस टाइम, उस वेले यूपीएससी तो 10 नाम भेज के एक 2 साल का अहदा वीके पवरा दिता गया। और एपेक्स कोर्ट जी अपना कह सकते सुप्रीम कोर्ट दी गाइडलाइनस ने भी यूपीएससी तो जो होगा हम 2 साल का घट्टो घट्ट अहदा दिता जाना चाहिए, पर भगवंत सिंह मान सरकार वालों ये अहदा अज हटा दिता गया। उन्होंने वीके पवरा और मिस्टर यादव जो गौरव यादव उन्होंने डीजीपी का वाधू चार्ज जरा तीन फर्दर ऑर्डर वो जारी रहेगा। बिल्कुल, जिस तरह के नाल क्योंकि वीके पवरा 2 महीने की छुट्टी ते गए सन, हालांकि उन्हां दी कारगुजारी नूं लैके लगातार सवाल उठ रहे सन और उस तो बाद नोटिस भी पंजाब सरकार ने उन्हां नूं जारी किया कि किस तरह के नाल भावें सिद्धू मूसेवाल की गल होवे या जो इंटेलीजेंस दफ्तर से हमला होया सी उस दे विच जो कार्रवाई रही है सो उस तो सरकार ना खुश सी, उसे दा हुण एक खामियाजा कि उन्हां नूं हुण अगे डीजीपी का जिहड़ा नहीं कार्यभार दिता गया। निश्चित तौर से राधा, प्रीवियस गवर्नमेंट की जो अपॉइंटमेंट की गई है वीके पवरा मौजूदा आम आदमी पार्टी सरकार नहीं चाहती कि वह डीजीपी रहन, और गौरव यादव जो कि ब्लू वाइट बॉय है कि ने हाईकमांड के आम आदमी पार्टी के उन्होंने डीजीपी बने रहने का जरा करने वास्ते कोई ना कोई सरकार वालों जरूर किया गया। उन्होंने इस करके वीके पवरा की नवी अपॉइंटमेंट कर दी गई छुट्टी तो बाद 2 महीने छुट्टी तो बाद पहुंचे ने, और नोटिस भी ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੋਟਿਸ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਵੀਕੇ ਪਵਰਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੋਟਿਸ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮੌਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾਕਾਮੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸੇ ਲਈ ਵੀਕੇ ਪਵਰਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਰਹੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। निश्चित तौर पर जिम्मेवारी सरकार जरूर बनती है, पर सरकार जिहड़ी पुलिसिंग है वह पुलिसिंग चीफ उत्ते ठेकरा जरूर फोड़ना चाहेगी, क्योंकि जिहड़ा पुलिस चीफ है उहदे वल्लों यह नाकामयाबी उहदे शो करना चाहेगी भी उहदे वल्लों जिहड़ा परफॉर्म है ड्यूटीज नहीं कीतियां गईयां। इस चलदे आ वीके पवरा जो जवाब देणगे इस नोटिस का फिलहाल दी सारी जानकारी दे ले। सो फिलहाल गौरव यादव डीजीपी बने रहने का हुण राह जिहड़ा है वह पदरा हो गया।